बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अजान जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज द सोलर सिस्टम। और आज हमारा लेसन 6 है, इसमें हम सिच लाइट्स को ही देखेंगे जैसे कि पहले हम देख रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो आज हमने सेटेलाइट पढ़नी है, दैट इज मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स हमारे पास अनकाउंटेबल, यानी कि हम इनको गिन नहीं सकते, इतनी ज्यादा स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि सन के ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमती हैं। मेट्रॉइड इज बेसिकली आपके पास एक रॉक और मेटल का जो होते हैं वो पीसेस होते हैं। ये डिफरेंट ऑर्बिट में फैले हुए और स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं। आप इनको अर्थ से भी देख नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा साइज में छोटे होते हैं। अगर कभी आपने टूटता हुआ कोई सितारा देखा हो या कोई फायरबॉल स्काई में देखा हो, तो बेसिकली ये आपका सितारा नहीं होता, ये मेट्रॉइड ही होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारी एयर में फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से इनमें जो है इट गेट्स फायर। मेट्रॉइड आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर होते हैं तो उनको कहा जाता है मेट्रॉइड। न्यूट्रॉन बेसिकली एक आपके पास ऐसा पार्टिकल होता है जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से टूटता है और गिरकर आपके अर्थ के अंदर शामिल हो जाता है। एयर की फ्रिक्शन की वजह से इसको जो है वो फायर और स्ट्रीक ऑफ लाइट हम इसकी देख सकते हैं। कुछ लोग उसको टूटते हुए सितारे, शूटिंग स्टार्स, फायर बॉल्स का नाम भी दे सकते हैं। बट हम 20 से 30 मेट्रॉइड जो है वो एक नाइट साइज स्काई के ऊपर क्लियरली देख सकते हैं। जो ज्यादातर हमारे पास मेट्रॉइड्स होते हैं वो 50-100 किलोमीटर हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा डस्ट होती है। अब इसी तरीके से अगर हम अपना आगे देखें तो जिसमें जो मून के स्पॉट्स होते हैं हमें वो भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बिग मेट्रोपराइट है जिसको होबा स्ट्रक का नाम भी दिया जाता है। और ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।